Hi guys, my name is Hrithik and you are watching my channel. So guys, video में बात करेंगे सैटुरन के इंटरेस्टिंग करियर के बारे में. तो देर किस बात की, शुरू करते हैं. तो गाइस, आप में से कुछ लोग तो जानते ही होंगे, सैटुरन अपना करियर स्टार्ट करता है WWE NXT में. और फिर जब वो नंबर वन कंटेंटर बन गए थे WWE NXT चैंपियनशिप के, तो उनका अपोनेंट थे जिंदर माहौल. तो उनके साथ उनका मैच होता, मैच बहुत बढ़िया था और सैटुरन उस मैच में जीत गए थे, वो बन गए थे WWE NXT चैंपियन. तो गाइस, कुछ समय बाद सैटुरन चैंपियनशिप हार जाते हैं. फिर कुछ महीनों बाद ही वो डेब्यू करते हैं WWE रो में विद हिज शील्ड पार्टनर्स रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस. तो गाइस, ये शील्ड टीम तो बहुत अच्छी थी, WWE ने पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन पे काम करा. फिर कुछ महीनों बाद द शील्ड में एंट्री द केम ट्रिपल एच, और केम ट्रिपल एच ने ऑफर करा सैटुरियंस को टू कम एट 40. तो सैटुरियंस ने ऑफर मान लिया उनका और अटैक कर दिया अपने शील्ड पार्टनर्स रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस पे. तो गाइस, जब से सैटुरियंस ने डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंस पे अटैक कर जब से देखा तो सैटुरियंस का करियर बहुत अच्छा बन गया था. उन्होंने मनी इन द बैंक कैशिंग करी WWE रेसलमेनिया में अपने शील्ड पार्टनर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में, और सैटुरियंस ने ये चैंपियनशिप जीत ली थी और वो बन गए थे ग्रैंड स्टेज ऑफ कौन में WWE चैंपियन. फिर फ्रेंड्स, जब सैटुरियंस का पंगा पड़ा जॉन सीना से, तो उनका मैच हुआ समर स्लैम में फॉर WWE चैंपियनशिप एंड WWE नेक्स्ट चैंपियनशिप, और सैटुरियंस ने वहाँ पर जीती WWE चैंपियनशिप और बन गए डबल चैंपियन जो थे WWE चैंपियन एंड WWE नेक्स्ट चैंपियन. फिर क्लैश ऑफ चैंपियन में सैटुरियंस और जॉन सीना से चैंपियनशिप हार गए, तो वो सिर्फ WWE चैंपियनशिप थे. और फिर एक टेस्ट मैच में, मतलब जो लाइव इवेंट था, उसमें जॉन सैटुरियंस इंजर हो गए और फिर उनको अपनी चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी. लेकिन फ्रेंड्स, माना पड़ेगा सैटुरियंस कभी भी अपनी चैंपियनशिप हारे नहीं थे. फिर उनका रिटर्न हुआ 2016 के एक्सट्रीम रूल्स में, उन्होंने अटैक कर अपने शील्ड पार्टनर रोमन रेंस पे, और फिर रोमन रेंस एंड सैटुरियंस का मैच हुआ WWE मनी इन द बैंक में. दोस्तों, मानना पड़ेगा ये मैच बहुत अच्छा था, दोनों की परफॉर्मेंस जो थी बहुत अच्छी थी, और सैटुरियंस वहाँ पर जीत जाते हैं WWE चैंपियनशिप और बन जाते हैं 2-time WWE वर्ल्ड चैंपियन. लेकिन तभी वहाँ पर होती है मनी इन द बैंक कैश इन, जो करते हैं उनके शील्ड पार्टनर डीन एम्ब्रोस, और सैटुरियंस तभी चैंपियनशिप आ जाते हैं और डीन एम बन जाते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन. फिर तीनों शील्ड पार्टनर्स का मैच होता है बैटल ग्राउंड में, जो था सैटुरियंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस, लेकिन सैटुरियंस ये मैच भी हार जाते हैं. फिर WWE में एंट्री होती है एक नई चैंपियनशिप की, जो थी WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप. फिर सैटुरियंस को मौका मिला WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप लड़ने के लिए, जो था समर स्लैम में मैच सैटुरियंस वर्सेस फिर वेल डीमो, लेकिन सैटुरियंस वहाँ पर ही चैंपियनशिप हार जाते हैं. लेकिन तब अगली रात को पता चलता है WWE रो में कि फिन बैलो हो गए इंजर. फिर सैटुरियंस को फिर से मौका मिलता है मैच में लड़ने के लिए, और जो मैच था मंडे नाइट रो में बिटवीन रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस सैटुरियंस वर्सेस बिग कैश, 4-man elimination match for the WWE Universal Championship. सैटुरियंस मैच में लास्ट तक टिके रहते हैं, लेकिन इंटरफेयर होता है वहाँ पर केम ट्रिपल एच का, वो रोमन रेंस को एलिमिनेट करवा देते हैं बाय सैटुरियंस. फिर जब लास्ट मैन बचा होता है वो थे केविन ओवेंस, लेकिन तब भी सैटुरियंस को पेडिग्री लगा देते हैं ट्रिपल एच और कवर करवा देते हैं केविन ओवेंस से. और जब 1-2-3 हो जाते हैं तो केविन ओवेंस जीत जाते हैं WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप. फिर ये जो राइवल थी सैटुरियंस वर्सेस ट्रिपल एच, वो बहुत आगे तक जाती है. और फिर उनका मैच होता है रेसलमेनिया 33 में बिटवीन रोम सैटुरियंस वर्सेस ट्रिपल एच. और दोस्तों, मानना पड़ेगा ये मैच भी बहुत अच्छा था, जो था नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच, और इसमें जीत होती है द आर्ट अटैक सैटुरियंस की. फिर दोस्तों, जब डीन एम्ब्रोस की राइवलरी चल रही होती है द मिस के साथ, तो उसमें इंटरफेयर होता है सेथ रॉलियंस का. फिर हो जाती है सेथ रॉलियंस और डीन एम्ब्रोस की टीम, उनका मैच होता है समर स्लैम 2017 में बिटवीन सेथ रॉलियंस एंड डीन एम्ब्रोस वर्सेस द बार शेमस एंड सेजारो फॉर द WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप. और वहाँ पर सेथ रॉलियंस एंड डीन एम्ब्रोस जीत जाते हैं WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप. फिर जब रोमन रेंस की राइवलरी चल रही होती है द मिज एंड बार के साथ, तो फिर उसमें सैटुरियंस और डीन एम्ब्रोस भी जुड़ जाते हैं और जाती है शील्ड रीयूनाइटेड. फिर कुछ समय बाद सेथ रॉलियंस इंजर हो जाते हैं और डीन एम्ब्रोस को एक नया टैग टीम पार्टनर मिलता है फिर, जो थे जेसन जॉर्डन. और जेसन जॉर्डन और सैटुरियंस ने मिलकर फिर से चैंपियनशिप जीत जाते हैं, जो थी WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप. फिर रॉयल रंबल में 2017
वो जेसन जॉर्डन भी इंजर हो जाते हैं, फिर सेटोलियंस वहीं पे चैंपियनशिप अपनी हार जाते हैं। फिर दोस्तों सेटोलियंस को मौका मिलता है लड़ने के लिए द ग्रैंड स्टेज ऑफ फोर रेसलमेनिया में बिटवीन सेटोलियंस वर्सेस द मीज वर्सेस फिन बैलर फॉर द WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और सेटोलियंस मैच जीत जाते हैं और बन जाते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन इंटरकॉन्टिनेंटल। फिर दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है, मतलब रिटर्न होती है डीन एम्ब्रोस की, जब उनकी सेटोलियंस की राइवलरी चल रही होती है द डॉल्फ ज़िगलर के साथ, तो फिर डीन एम्ब्रोस की रिटर्न होती है और फिर डीन एम्ब्रोस और सेटोलियंस जीत जाते हैं WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। लेकिन तभी डीन एम्ब्रोस अटैक कर देते हैं सेटोलियंस पे और शील्ड टूट जाती है और सेटोलियंस अकेले, फिर उनका मैच होता है AOP के साथ WWE मंडे नाइट रॉ में और सेटोलियंस अकेले थे इसलिए वो चैंपियनशिप हार जाते हैं। तो फिर दोस्तों अभी तो चल ही रहा है सेटोलियंस का करियर। अगर आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं 11 नवंबर 2018 को और सेटोलियंस का करियर अभी चल ही रहा है। तो फिर गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड गाइस सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। हाय गाइस माय नेम इज सत्यक एंड यू आर वॉचिंग।